अभी बेरोजगारी भत्ता सबको मिल रहा है, हाथ ऊपर करो कितने लोगों को मिल रहा है। देखो मतलब अभी तुम लोगों को बैठे बिठाए पैसे मिल रहे हैं जिससे कि तुम पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हो, और जो जो भी प्रिपरेशन है जो भी करते हो, जरूरी नहीं है कि यहाँ जो काउंसलिंग हो रही है उसी में तुमको काम करना है। कुछ लोग पीएससी की तैयारी करते हैं, कुछ आईएएस की करते हैं, कुछ डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ इंजीनियर बनना चाहते हैं, है ना। जो भी करना है उसके लिए अमाउंट मिल रहा है, तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हो। नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, जय सेवा, जय शक्तिगढ़। दोस्तों आज वीडियो में आप लोगों को मैं गढ़वा भविष्य के अंतर्गत एक छोटा सा वीडियो बनाया हूँ, उसे आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। दोस्तों हम लोग 6 जुलाई को डाउंडी गए थे, वहाँ पे एक प्लेसमेंट कैंप लगा हुआ था, जो छत्तीसगढ़ सरकार अभी पहल चल रही है गढ़वा भविष्य, जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ में युवा हैं उनको रोजगार देने की बात चल रही है, तो उसी के संबंधित एक वीडियो बनाया हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलो दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों अभी हम लोग गांव में हैं और गांव से हम लोग डोंडी जा रहे हैं, तो रास्ते में जो जो गांव पड़ता है उसे आप लोगों को दिखाते हुए चलते हैं। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. फाइनली दोस्तों हम लोग यहाँ पे शासकीय आईटीआई डोंडी में पहुँच गए हैं, और जितने भी बेरोजगारी भत्ता पात्र हितग्राहियों को यहाँ पे बुलाए गए हमारे डोंडी ब्लॉक से, तो इस तरह का माहौल आप लोगों को देखने को मिलेगा। दोस्तों गढ़वा भविष्य के अंतर्गत अच्छा चाय पानी व्यवस्था करेंगे। आप लोग यहाँ गढ़वा भविष्य के लिए आए हैं ना, गढ़वा भविष्य का मतलब समझ में आ गया? क्या होता है गढ़वा भविष्य, कौन बताएगा? हाथ ऊपर कर ले। गढ़वा भविष्य का मीनिंग क्या होता है बताओ? अगर गढ़वा भविष्य का मीनिंग नहीं बता पाओगे तो फिर भविष्य कैसे करोगे, है ना? आप बताओ क्या होता है गढ़वा भविष्य, अच्छा बताओ ना, सही बोल रहे हो। नहीं तो क्या करोगे? अपने पैरों पे खड़े होंगे। अभी बेरोजगारी भत्ता सबको मिल रहा है, हाथ ऊपर करो कितने लोगों को मिल रहा है। देखो मतलब अभी तुम लोगों को बैठे बिठाए पैसे मिल रहे हैं जिससे कि तुम पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हो, और जो जो भी प्रिपरेशन है जो भी करते हो, जरूरी नहीं है कि यहाँ जो काउंसलिंग हो रही है उसी में तुमको काम करना है। कुछ लोग पीएससी की तैयारी करते हैं, कुछ आईएएस की करते हैं, कुछ डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ इंजीनियर बनना चाहते हैं, है ना। जो भी करना है उसके लिए अमाउंट मिल रहा है, तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि आप लोगों को सरकार इतना कुछ करके दे रही है। आपको बेरोजगारी भत्ता दे रही है, यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बुला के आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि आप अपना भविष्य कैसे गढ़ सकते हैं, अपने पैरों पे आप खड़े कैसे हो सकते हैं, कैसे स्वावलंबी बन सकते हैं, ताकि कल आपको अपने माता पिता के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। पहले आप लोग अभी अपने माँ बापा से मांगते हो क्या पैसे? पुस्तक खरीदने के लिए, कहीं आने जाने के लिए, पेपर दिलाने के लिए पैसे मांगते हो? जब से अभी तुमको 2500 रुपए मिल रहे होंगे तब से नहीं मांगना पड़ रहा होगा, है? मानते ही सब लोग मानते हैं अपने माँ बाप से पैसे, तो वही इंडिपेंडेंट होने का मतलब यही है कि आप खुद भी पैसे कमाओ
सारी चीजों के बारे में आपको बताया गया, आप सब लोगों ने ध्यान से सुना भी है, और आज से 3-4 दिन बाद आप लोगों को ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। 45 डेज की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपको प्लेसमेंट होगा, जॉब मिलेगा, तो आप पूरी तरीके से अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, है ना। और ये सिर्फ शुरुआत होगी, अभी आप ये काम शुरू करोगे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसी पे रुक जाओगे, यही करके रुकोगे क्या? हाँ नहीं ना, आगे और भी आगे जाना है। मतलब ये करने के साथ साथ आपको जो भी आपका मुख्य उद्देश्य है, आप जीवन में जो बनना चाहते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो IAS बनना चाहते हैं, हाथ ऊपर करें। चार लोग हाथ ऊपर करिए, सिर्फ दो लोग। टीचर कितने लोग बनना चाहते हैं? टीचर टीचर भी 8-10 लोग ही बनना चाह रहे हैं। कितने लोग हैं जो प्रॉपर टीचर बनना चाहते हैं? हाथ ऊपर करिए, दोनों तरफ से देखते हैं मुझे। और जिनको टीचर नहीं बनना है वो क्या बनना चाहते हैं? जिनको IAS भी नहीं बनना है, डिप्टी कलेक्टर भी नहीं बनना है, टीचर भी नहीं बनना है, वो क्या बनना चाहते हैं? इलेक्ट्रीशियन। कितने लोग इलेक्ट्रीशियन बनेंगे खड़े करिए, हाँ वो भी 4-5 लोग ही हैं। प्लम्बर कितने लोग बनेंगे? ऑफिस वर्क कितने लोग करना चाहते हैं? ब्यूटी पार्लर किस किस ने ब्यूटी पार्लर का कोर्स ज्वाइन कर? सिर्फ दो लोग, तो बाकी लोगों ने क्या सोचा है? कोई एक बताएगा आपने अपने फ्यूचर के लिए क्या सोचा, आप क्या बनोगे? तो आपको तो 2 रोजगार के लिए लोन भी मिल सकता है, पता है कि नहीं बताया है ना आपको? अगर इस तरीके से करना है तो आपको 2 रोजगार करने के लिए गवर्नमेंट से सस्ती दरों पे लोन भी मिल सकता है, जिससे आप अपना रोजगार खुद कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, जोरदार तालियां बजाएंगे इनके लिए। ये आप जैसे कई लोगों को रोजगार देंगे आगे चल के, क्योंकि ये अपना 2 रोजगार बनाना चाहते हैं। और इधर से कोई बताएगा क्या करना चाहते हो? तो माइक पकड़ा दो। इन लोगों ने खड़े होकर बोलने की हिम्मत दी, ये भी बड़ी बात है, ये भी ना एक उज्जवल भविष्य की ओर पहला कदम है। बिना संकोच के अपनी बात किसी के सामने रखना, यहाँ से शुरू होती आपकी यात्रा, है ना। जब तक आप बताओगे नहीं कि आप क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, सामने तो बोलना बहुत जरूरी है। जब तक कैसे बढ़ना, क्या करना, तो जब लोगों ने आपको समझाया सारी जो यहाँ पे फैसिलिटीज है, जितनी भी ट्रेनिंग होनी है उसके बारे में बताया, तो आप लोगों ने क्वेश्चन किए कि नहीं किए? कुछ क्वेश्चन कर रहे तो कि नहीं कर रहे थे आप? हाँ, तो क्वेश्चन जब तक नहीं पूछोगे आंसर नहीं मिलेगा, आंसर नहीं मिलेगा तो जानकारी भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग धन्यवाद की इतनी बारिश में आप करा रहे हैं, हालांकि सारा जो अरेंजमेंट किया गया है आपके भविष्य के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए किया गया है ना। आज आप में से जितने लोग भी यहाँ से फॉर्म भर के जाएंगे, उनमें से जिनको सेलेक्ट किया जाता है वो फिर ट्रेनिंग करेंगे 45 दिन की और जॉब करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।